संबल से बड़ी खबर है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में एक लेखपाल की गुंडई सामने आई है। समाधान दिवस में लेखपाल फरियादी पर न सिर्फ दौड़ पड़ा बल्कि उस पर मारपीट का भी आरोप है। एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। लेखपाल की गुंडई तब सामने आई जब द्वारका प्रसाद नाम के फरियादी ने संपूर्ण दिवस में पट्टे में मनमानी और रिश्वत खोरी के रुपए लेने से लेखपाल की शिकायत की। इस बीच लेखपाल सुधीर कुमार शर्मा समाधान दिवस में ही फरियादी पर दौड़ पड़ा। आरोप है कि उसने लेखपाल और उसके पुत्र से मारपीट की। लेखपाल की दबंगाई की तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई है। समाधान दिवस में हुए इस बवाल के बाद एसडीएम दीपेंद्र यादव ने लेखपाल के आचरण को आपत्तिजनक मानते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी लेखपाल की धन उगाही का वीडियो वायरल हुआ था। तत्कालीन एसडीएम ने लेखपाल की जांच और कार्यवाही की बात की थी, बावजूद लेखपाल नौकरी कर रहा था। अब पट्टा आवंटक में मनमानी और धन आगाही की शिकायत के बाद फरियादी से ही लेखपाल भिड़ गया। लेखपाल और फरियादी के बीच हुए घमासान के बाद समाधान दिवस पर काफी समय तक अफरा तफरी मची रही। अलबत्ता मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लेखपाल को रोका। लेखपाल सुधीर शर्मा और उसका बेटा सब दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ तैयार हो गए साहब। मेरे 1,70,000 रुपए आए साहब। किस बात के रुपए हैं आपके? पट्टे करने के लिए लिए थे साहब, और वो आशक ने पैसा दिए और यहाँ तहसील दिवस में मारपीट हो गई। अभी क्या बात हुई? अभी की बात बताओ, ताजा घटना क्या हुई? अभी पैसे की तो बात नहीं साहब, यहाँ मैं तो दरखास्त देने आया था यहाँ। फिर क्या हुआ? दोनों का बेटा वहाँ मुझे पकड़ने पहुँच गए, वहाँ साहब के पास सुधीर शर्मा जी 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 सुधीर शर्मा लेखपाल। मेरा नाम द्वारका प्रसाद। एसडीएम साहब, अभी यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था, थोड़ी देर पहले यहाँ आरोप है फरियादी के साथ लेखपाल के द्वारा मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? एक शिकायतकर्ता आए हुए थे और किसी बात पे उसकी शिकायत थी, कुछ आरोप था लेखपाल के ऊपर, और जब तहसीलदार साहब ने लेखपाल को भी बुलाया और बात पूछने की कोशिश किया तो दोनों ही आपस में उत्तेजित होकर लड़ाई झगड़ा करने लगे, और जो लेखपाल का ये आचरण था वो प्रथम दृष्टया जो बहुत आपत्तिजनक था, उनको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई की जा रही है।